नमस्कार सभी को, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। एक्टिंग विद कैमरा का आज स्कूल की ओपनिंग है और आज बसंत पंचमी भी है। किस तरह से आप किस दौरान किस तरह से आप इस स्कूल से जुड़े हैं? सारे टीचर जो हैं सब ले जाने वाले हैं और टीचर ही समझ सकते हैं, उस हिसाब से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ जो स्टूडेंट काम करते हैं उनको प्रैक्टिकल फ्लोर पर बुला के काम कराती हूँ, वहाँ सिखाती हूँ। यहाँ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, हर चीज़ सिखाई जाती है यहाँ पे, उसके बाद फ्लोर पे हम बुलाते हैं, फ्लोर पे काम कराते हैं। सब में हूँ क्योंकि कलाकार की कोई भाषा नहीं होती है, एक्टिंग की कोई भाषा नहीं होती है, इसलिए हर फील्ड में हूँ। पंजाबी में हूँ, बंगाली में भी हूँ, भोजपुरी में एक्टिंग हूँ, दिखाई होगा और हिंदी फिल्में बनाई हैं, भोजपुरी भी बनाई हैं। हिंदी में डाकू की हॉरर वो बनाती थी। अभी आप एक्टिंग करते हैं, सिखा भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ। स्टूडेंट्स से भी बहुत कुछ कभी कभी सीखने को मिल जाता है, वो कुछ इतना अच्छा कर जाते हैं कि हमको लगता है ये हमने क्यों नहीं सोचा। आप इतना निगेटिव किरदार करते हैं, क्या तो कभी भी सिखाएंगे एक्ट्रेस को भी? बिल्कुल, जो नेगेटिव करना चाहेंगे उनको सिखाएंगे, नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव है नहीं, अभिनय समाज को वही तो समाज को संदेश तो वही जाता है ना। बहुत ही शुभ दिन है आज हमारे लिए, माँ सरस्वती की पूजा करके हम इस स्कूल की पुनः शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना की वजह से बीच में स्कूल बंद हो गया, तो 8-10 महीने का गैप हो गया, हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। और पुराने स्टूडेंट्स जो स्कूल में थे जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, उनको भी नए तरीके से जोड़ने की कोशिश है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दे रहे हैं हम लोग। काफ़ी सारे जो नए स्टूडेंट्स आए हैं सब मिलकर फिर से ये स्कूल स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमने सोचा बसंत पंचमी के दिन जय माँ शारदे शुरुआत करते हैं, तो ये शुभ दिन है इसलिए आज शुरुआत हुई है और बाकी सब अच्छा है। वही जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया था सोशल डिस्टेंसिंग और बंद कमरे में क्लास अब नहीं हो सकता, जैसे स्कूल कॉलेज बंद हुए तो वैसे ये भी बंद हो गया, तो ये जो हमने ये स्कूल खोला है उसके पीछे एक उद्देश्य है हम लोगों का। हम लोग अक्सर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं भोजपुरी सिनेमा में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, इन दिनों तो खास करके मैं सीरियल्स भी करता रहा, भोजपुरी सिनेमा भी करता रहा, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में एक समस्या ये आ रही थी कि बिना सीखे लोग एक्टर बनने जो चले आ रहे हैं यूपी से बिहार से, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे कि पहले सीख लीजिए, नहीं तो एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल बीत जाता है, घर के पैसे बर्बाद होता है, उनको काम भी मिल जाता है, वो कैमरे के तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। देखिए अक्सर स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं हमसे, क्या मैं सीख जाऊंगा तो क्या मुझे काम मिलेगा, तो मैं उनको अक्सर बोलता हूं कि आप सीख जाएंगे इस बात की गारंटी है, क्योंकि तो काम की गारंटी क्यों नहीं है, पहले तो सीखना ज़रूरी है। वो ये मान चुके हैं कि मैं 5 महीने में सीख जाऊँगा, मेरा ये मानना है कि 5 महीने में तो उनका परिचय होगा क्या क्या सीखना है, अगर वो सीख जाते हैं 5 महीने में जो हमने सिलेबस बनाया है उसके अनुसार तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सीख पाए तो अगले बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको री एंट्री दे रहे हैं ताकि वो फिर से रिवाइज कर सके, और दो जगह हम उसको काम नहीं देना कहेंगे, दो प्रोजेक्ट्स में हम उनको काम करने का अवसर देंगे, भेजेंगे, रोल होगा उनके लिए, ये वेब सीरीज़ भी हो सकता है, भोजपुरी फिल्म भी हो सकता है, हिंदी फिल्म भी हो सकता है, हिंदी में हमारी उतनी पकड़ अच्छी नहीं इसलिए मैं भोजपुरी फिल्म बोलता हूँ, वेब सीरीज़ भी हम लोग काफ़ी बना रहे हैं, कुछ टीम है हमारे पास, उसमें उनको काम करने का अवसर दिया जाएगा ताकि मैं रिपोर्ट तो ले सकूँ कि उन्होंने सीखा क्या, अगर वो अच्छे से काम करके आए, रिपोर्ट अच्छा हुआ तो हम लोग उनको बोलेंगे कि अब आप ऑडिशन दीजिए, मार्केट में जाइए, अगर नहीं सीखा तो फिर से हमारे साथ जुड़िए और उसके पैसे नहीं लगेंगे, तो ये कोशिश है हमारी कि कुछ अच्छा करें, जो बच्चे यहाँ आए उनको जो बाकी जगहों पे जो
चल रहा है ना कि पैसे दो और एक्टिंग मैं इस स्कूल से बहुत ही नाजिक रिश्ते से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं इसमें डबिंग फिल्म में डबिंग नाम की चीज़ होती है जो वॉइस जो शूटिंग भी करते हैं बहुत शोर होता है उसके बाद जो आवाज़ें दी जाती है तो मैं बच्चों को यहाँ पर वो सिखाता हूँ कि आप कैसे डबिंग करेंगे और सेम फील सेम एनर्जी जो हम एक्टिंग करते हैं उसमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है ये नहीं कि माइक पे आए और बोल के चले गए तो मैं वो एक देता हूँ और उसमें जो जितने लोग हैं जो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे ज़्यादा अच्छा करेंगे क्योंकि मैं भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा हुआ एक्टिंग डबिंग मैंने बाहुबली में वो जो विलन है विजय देव ने डबिंग की है लाइन किंग में डबिंग की है मैंने मतलब प्रबंधे की काफ़ी फिल्में की है मैंने और तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है मैं इंग्लिश फिल्म करता हूँ मैं एवेंजर में हीरो की डबिंग करता हूँ तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे और मेरे एक्टिंग में निखार भी आया है क्योंकि जितना ज़्यादा सीखेंगे देख के ही सीखते हैं बाकी अंदर में तो जो एक्टिंग भरा होता है वो है ही देख के एक्टिंग विद कैमरा का उद्देश्य क्या है सर? एक्टिंग विद कैमरा उन बच्चों को जो अपना सपना लिए हुए मुंबई में आते हैं और भटकते हैं कोई जगह नहीं मिलती है कोई अच्छा स्टेज नहीं मिलता है कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है यहाँ आने से उन बच्चों को जो जितना हाँ हाँ वो तो इस एक्टिंग कैमरा जो बाकायदा जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में लाया है उनको मैं आज तकरीबन 40-45 सालों से जानता हूँ और हमारे साथ थिएटर के अंदर होते पटना में फिर एक सफ़र रहा वो बॉम्बे आ गए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया तो ये बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है क्योंकि मेरा मानना है कि एक्टिंग बगैर ट्रेनिंग के हो तो सकता है लेकिन अगर आप एक्टिंग के क्राफ्ट को जानते हैं तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और लॉन्ग रन में आप टिक पाएंगे। आप भी एक इस क्लासेस में टीचर हैं क्या सिखाएं? देखिए आज कितना अच्छा शुभ दिन है कि ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती माँ का आज पर्व है तो सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ आज इस दिन एक्टिंग विद कैमरा का तीसरा सत्र चालू हो रहा है मतलब थर्ड बैच आप कह सकते हैं और मैं इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं टीचर हूँ लेकिन हाँ यहाँ मैं आऊँगा और अपने कुछ अनुभव यहाँ के विद्यार्थियों के साथ शेयर करूँगा उनको बताऊँगा कि कैमरे के सामने हमने जो सीखा है वो अभिनय कैसे होता है। देखिए अभिनय मैं अभिनेता हूँ तो मैं अभिनय ही चीज़ें बताऊँगा और अभिनय की जो बारीकियाँ हमने हमारे गुरुओं से सीखी हैं और हम उनको जो अपने अभिनय में क्रियान्वित करते हैं मैं वही सारी अनुभव और वही सारी जानकारियाँ उन बच्चों को दूंगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया सबसे पहले सबसे तेज़।